नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आया हूँ। इस बार हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं पार्ट थ्री फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक का। आज हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, बेसिकली अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसे फेजेस वाइज मैंने कैटेगराइज किया है। बेसिकली वैसे तो ऑब्जेक्ट दो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं उनके, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना और दूसरा होता है वेल्थ जनरेट करना। तो दोस्तों, इस सारे कॉन्सेप्ट को हम वन बाय वन समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो दोस्तों, इसे मैंने फेजेस वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैटेगराइज किया है। बेसिकली अगर हम बात करें अपने प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्ट की, यानी अगर मेरा प्रॉफिट इंटेंशन, मेरा प्रॉफिट ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली मैं अगर दो फेज, मींस एक सर्वाइवल फेज और स्टेबिलिटी फेज, अगर मैं इस दो फेज पर हूं, तो दोस्तों पहले अब ये दो फेज का पहले मतलब समझ लेते हैं, होता क्या है सर्वाइवल फेज और स्टेबिलिटी फेज। इन दो पर्टिकुलर फेजेस पर, इस दो पर्टिकुलर लेवल पर हम अचीव करते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी। तो दोस्तों, ये सारा कॉन्सेप्ट है क्या, चलो स्टार्ट करते हैं। सर्वाइवल, जब भी कभी अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपका जो बेसिक टारगेट, जो बेसिक फोकस रहता है, वो ये रहता है कि आपको मार्केट में टिके रहना है, आपको मार्केट में सर्वाइवल करना है, आपको मार्केट में एक अपना जो ब्रांड है, अपना जो बिजनेस है, उसे बनाए रखना। ये एक बेसिक किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्ट होता है कि आप अपने बिजनेस को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में आप सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बनाए। दोस्तों, उसके बाद अगर आप मार्केट में टिक जाते हैं, आप मार्केट में सर्वाइव कर जाते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि कैसे अब मैं अपने बिजनेस को स्टेबल बनाऊं, कैसे मैं अपने बिजनेस को लॉन्ग रन, लॉन्ग लास्टिंग के लिए बनाऊं। तो दोस्तों, फिर हम अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि मैं कहां स्टेबल हूं, मैं कौन से लेवल पर लाकर अपने आप को स्टेबल करूं। तो दोस्तों, हम फिर अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। ये दो फेसेस में हमारा जो इंटेंशन रहता है वो रहता है कि एक प्रॉफिट अर्न करना। दोस्तों, आगे के स्टेज में भी प्रॉफिट अर्न करना होता है, बट आगे के स्टेज में हम प्रॉफिट के साथ साथ एडिशनल चीज भी अर्न करते हैं, जिसके ऊपर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सर्वाइवल और स्टेबिलिटी, इन दो फेजेस में हम प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक मार्केट में सर्वाइव करने के बाद आप स्टेबल हो चुके हो, तो अब आपका फोकस रहता है कि आपको अब ग्रोथ करना है, मींस अपना बिजनेस एक्सपांड करना, अपना मैनेजमेंट इंप्रूव करना, इनहांस करना, सारी जितनी भी ग्रोथ को लेकर फैक्टर्स या जितने भी ग्रोथ को लेकर जितनी भी चीजें है, वो सारी आपके माइंड में आना शुरू होती है और आप फिर अपने बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपका ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है, तो आप अपना एक मैक्सिमम सैचुरेटरी पॉइंट खोजने की कोशिश करते हैं, जहां पर जाकर आप कॉन्स्टेंट हो जाए। बट आप तो जानते ही है, अगर हम ह्यूमन बींग के नेचर की बात करें तो वो कभी भी किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि उसकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती है। तो दोस्तों, एक बार अगर हम ग्रोथ फेज पर आ चुके हैं तो फिर हम आगे अपने बिजनेस को एफिशिएंट बनाने के बारे में सोचेंगे, अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी लाने के बारे में सोचेंगे। और इस दो फेजेस में जब आपका बिजनेस पहुंच जाए तो आप अपना वेल्थ जनरेशन शुरू कर देते हैं। वेल्थ मतलब आपकी मार्केट में गुडविल भी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम इस ऑब्जेक्ट को और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो बेसिकली मैंने इसे दो कैटेगराइज किया है, दो कैटेगरी में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला है प्रॉफिट, जो एक किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस सेक्टर का, किसी भी कंपनी का एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज प्रॉफिट। और दूसरा है दोस्तों, वेल्थ मैक्सिमाइज करना, वेल्थ जनरेट करना, मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाना। प्रॉफिट अर्न करना तो उनका इंटेंशन होता ही है, साथ में वेल्थ भी जनरेट करना उनका एक ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं हम प्रॉफिट इस पर्टिकुलर
ऑब्जेक्ट के साथ। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो किसी भी बिजनेस एक्टिविटी की बात कर ली जाए, किसी भी कंपनी की, किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर की अगर हम बात करें, तो उनका जो बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, जितना ज्यादा हो सके उस कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट को बढ़ाना। तो एक बेसिक ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी, ऑल फंक्शन ऑफ बिजनेस एम टू प्रॉफिट। जो कि हम सभी जानते हैं कि बेसिकली हम बिजनेस करते ही क्यों है, हम बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा एम होता है कि हम प्रॉफिट अचीव कर पाए, इसीलिए हम बिजनेस फंक्शन में एंगेज रहते हैं। प्रॉफिट इज अ टूल ऑफ मेजरिंग द सक्सेस ऑफ द बिजनेस फर्म। दोस्तों आपने ये बात तो कॉमनली सुना ही होगा कि देख यार वो कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, मतलब कि वो कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, या वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, लॉस में सफर कर रही है, मतलब कि वो कंपनी शायद अच्छी नहीं है। यानी हम कंपनी का सक्सेस फैक्टर किस बात से डिसाइड करते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए। अगर कोई कंपनी बहुत ह्यूज अगर अमाउंट कमा रहा है, अर्न कर रहा है, तो हम ऐसा मानते हैं, ये हमारा ऐसा परसेप्शन होता है कि प्रॉफिट अगर आपने ज्यादा कमाया तो आप बेटर हो, आप सक्सेसर हो, आप लीडर हो मार्केट में। तो ये प्रॉफिट एक टूल है हमारे सक्सेस फैक्टर को जानने का या मेजर करने का। ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्डक्ट दोज एक्टिवेट्स इन विच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। तो दोस्तों जितने भी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, हर एक्टिविटीज में उनका एकमात्र उद्देश्य होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और उनका बेसिक प्रिंसिपल होता है, कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन हर एक एक्टिविटी में उनका ऑब्जेक्ट रहता है कि अपने प्रॉफिट को क्या करे, वो ज्यादा से ज्यादा करे, मैक्सिमाइज करे अपने प्रॉफिट को वो। विदाउट प्रॉफिट बिजनेस कांट सर्वाइव। अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, हाँ अगर आप सोशल सर्विस में अगर आप इन्वॉल्व है, इंगेज है, या आप कोई चैरिटी चला रहे हैं, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो आपका फिर वहां पर प्रॉफिट मेन मोटो नहीं होता। बट अगर हम बात करें बिजनेस की, तो विदाउट प्रॉफिट मोटिव आप बिजनेस में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे कि मुझे बिजनेस करना है और मैं प्रॉफिट भी नहीं कमाना चाहता, मतलब आप बिजनेस नहीं, आप एक सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके माइंड में हमेशा यही बात रहेगी कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। और अगर आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाए, तो आप मार्केट में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज टू बी अचीव्ड फॉर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था सोशल वेलफेयर के बारे में। तो अगर आपको सोशल वेलफेयर भी करना है, तो उसके लिए आपके पास फंड या फाइनेंस होना जरूरी है। और यही फंड या फाइनेंस कहां से आएगा आपके पास? तो आएगा आपके पास प्रॉफिट के थ्रू। आप प्रॉफिट अर्न करोगे, वही पैसा आप लोगों के लिए यूज करोगे। जैसे इसका एक एग्जांपल दूं, एक आप लोगों ने बहुत पॉपुलर नाम सुना होगा, सलमान खान की इंस्टीट्यूशन चैरिटी है बिंग ह्यूमन के नाम से। प्रॉफिट खूब कमाती है, तो वो प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन किस पर्पस के लिए करती है? तो जितने भी हार्ट ऑपरेशंस होते हैं बच्चों के, या जितने भी एजुकेशन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाती है बींग ह्यूमन, चैरिटीज अलग अलग जगह डोनेट करता है। तो सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर में भी अगर आप अपने बिजनेस के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा? प्रॉफिट अर्न करना होगा। तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये ऑब्जेक्ट होता है, उनका उद्देश्य होता है कि वो क्या करे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के अगर ग्रोथ की बात करूं, तो वो सारा ग्रोथ डिपेंड करता है उनके प्रॉफिट एलिमेंट के ऊपर। अगर प्रॉफिट ज्यादा है, तो उनका सक्सेस रेट भी ज्यादा होगा, ग्रोथ रेट भी ज्यादा होगा। और अगर प्रॉफिट कम है, तो उनका ग्रोथ रेट भी कम होगा। हाई प्रॉफिट मार्जिन इनकरेज द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। आप अगर जितना ज्यादा कमाओगे, आपके इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने के बारे में ज्यादा सोचेंगे। तो दोस्तों अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है,
तो आपके इन्वेस्टर भी ज्यादा होंगे। क्यों? बिकॉज इन्वेस्टर को चाहिए एक मैक्सिमम रिटर्न, और जब तक कि आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे आप अपने इन्वेस्टर को रिटर्न कहाँ से देंगे। तो अगर आपको अपने इन्वेस्टर्स को अमाउंट एक अच्छा खासा पे करना है तो उसके लिए आपको अच्छा खासा कमाना भी पड़ेगा। तो दोस्तों आपको प्रॉफिट अर्न करना है, ये तो प्राइमरी आपका ऑब्जेक्ट है ही। प्रॉफिट इज असेंशियल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो आपने ये तो कहीं सुन ही रखा होगा कि अगर किसी भी कंपनी की बात करें तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तब वो प्रॉफिट बांटती है। अगर कंपनी ने पैसे ही नहीं कमाए, प्रॉफिट ही अर्न नहीं किया, तो उस ईयर वो डिविडेंड भी बांटने के लिए एबल नहीं होती। तो दोस्तों ये कुछ हमने बातें की प्रॉफिट को लेकर कि प्रॉफिट क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी के लिए एक स्पेशल एलिमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उनके वेल्थ को लेकर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में सिर्फ प्रॉफिट कमाना इनफ नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पर आप मार्केट में बहुत ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते। आपको अगर मार्केट में बहुत लंबे समय तक के लॉन्ग लास्टिंग अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो आपको वेल्थ जनरेशन भी करना होगा। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ। तो एक जो बिजनेस की रेपुटेशन है, एक ओनर की जो रेपुटेशन है, वो मार्केट में आप इन्हांस करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, आप उनका वेल्थ जनरेट करना चाहते हो। क्योंकि अगर आपकी ब्रांडिंग बनाना है तो सिर्फ आप प्रॉफिट के बेसिस पर अपनी ब्रांडिंग क्रिएट नहीं कर सकते, आपको वेल्थ भी अपना मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। द मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इटसेल्फ इनकरेक्ट बिकॉज डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इज एम्बिगियस, hence motive should be wealth maximization। दोस्तों अगर हम बात करें प्रॉफिट कमाना है तो ये एक ambiguous term है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ प्रॉफिट तो भाई कौन सा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जरा इस बात को तो क्लियर कीजिए। प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसा कि आप बेसिकली पढ़ते हो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, तो आप अलग अलग देखते हो कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी एक टाइप है आपके प्रॉफिट का ही। तो दोस्तों आप कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हो, तो प्रॉफिट पर्टिकुलर ये टर्म कहीं ना कहीं अपने आप में करेक्ट नहीं है, एम्बिगियस टर्म है। अगर मैं सिर्फ कहता हूं मुझे प्रॉफिट कमाना है तो भाई मैं कौन सा प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन हमारे इस पर्टिकुलर प्रॉफिट टर्म में। तो इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी अपने वेल्थ को वो मैक्सिमाइज करना पसंद करती है, और उनका मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न करना, दैट इज द प्राइमरी मोटिव, बट अल्टीमेट जो उनका ऑब्जेक्ट रहता है वो रहता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। इट इज ऑल्सो नोन एज द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। आपकी जैसे जैसे वेल्थ मैक्सिमाइज होते जाएगी आपकी कंपनी की रेपुटेशन, आपके कंपनी की आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगी। बट आप लोगों को अपना वेल्थ अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको सोशल वर्क्स और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है अपना वेल्थ जनरेट करने के लिए, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। दोस्तों आगे अगर हम बात करें द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर इज अ रिफ्लेक्टेड इन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो दोस्तों जो हम बात करते हैं शेयर मार्केट में शेयर्स के रेट बढ़ रहे कम हो रहे वो किस बेसिस पर, तो नॉर्मल सेंस में जो लोगों को पता है कि वो बोलते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी के शेयर्स के रेट भी बढ़ रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसके शेयर्स के रेट भी कम हो रहे। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो शेयर होल्डर्स के जो मार्केट प्राइस होते हैं शेयर्स के, वो डिपेंड करता है कंपनी की वेल्थ जनरेशन के ऊपर। हालांकि वेल्थ इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रॉफिट, बट अगर उस कंपनी का वेल्थ जनरेशन अच्छे से अगर वो जनरेट कर पा रही है, मैक्सिमाइज कर पा रही है, तो उनका मार्केट में भी रेट ग्रो करेगा। द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज मैक्सिमाइज ओनली व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज मैक्सिमाइज। तो भाई अब शेयर होल्डर का ग्रोथ कब होगा, तो जब मार्केट में शेयर्स के रेट बढ़ेंगे। मार्केट में शेयर्स के रेट कब बढ़ेंगे, तो जब उस ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी का अगर वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ तो फिर शेयर होल्डर्स का भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा।